छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लालपुर स्थित एमएमआई हॉस्पिटल अब मौत का सौदागर बन चुका है। आपको बता दें कि महिला भारती खेमानी की मौत के पीछे वहां के डॉक्टर का होना बताया जा रहा है। मृतका के परिजनों का कहना है कि स्वाइन फ्लू के चलते महिला को बेहतर इलाज करने का आश्वासन देकर डॉक्टरों ने हफ्ते भर में 7.5 लाख रुपए परिजनों से वसूली की। फिल्म गब्बर की ही तरह जिस तरीके से एमएमआई में घटना सामने आया उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से राजधानी रायपुर में जो हॉस्पिटल है वो लूट मचा करके रखे हैं। लूट तो सही है, लेकिन खास तौर से जो व्यक्ति विशेष जो मृतक हैं उनके परिजनों के अंदर किस तरीके से व्याख्यान है और खास तौर से उनके अंदर किस तरीके से गुजारा हो रहा है उसको भी देखना साफ आवश्यक है। और किस तरीके से जो परिजन है लंबे समय से जो मृतक हैं उनके इलाज के लिए दर दर भटकते हैं, इलाज कराने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। हमेशा से ही हॉस्पिटल के द्वारा जिस तरीके से उन लोगों को मात्र आश्वासन दिया जाता है वही आश्वासन फिर से मिला और आश्वासन के बाद उनको सीधे तौर पे एयर क्रॉप करके उनको दूसरे स्थान पे जा करके वहाँ सीधे तौर पे दूसरे तरीके से इलाज कराने का प्रावधान में भी शामिल किया गया था। लेकिन असली मसला क्या है उसको पहचानने के लिए ग्राउंड जीरो पे पहुँचे हुए हैं। आप लोग वहाँ उपस्थित थे, कितने दिनों से भटक रहे थे और किस तरीके से इस मामले को आप लोग आगे बढ़ करके खास तौर से क्योंकि एमएमआई जैसे बड़े संस्थानों के ऊपर कोई आवाज नहीं बुलंद कर पाता है, आप लोग आवाज बुलंद किए, किस तरीके से आवाज बुलंद करने के लिए? वजह ये है कि न्याय सबको मिलना चाहिए और जब देखे कि ये इनका प्रबंधन अच्छा नहीं है तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा सर। और बाकी बातें तो पूर्व के सारे कल से मैं बता चुका हूँ। जो अभी वर्तमान में एक और बात घटित हुई वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमारा शायद एक बैग छोटे भाई का एमएमआई में ही रह गया था जिसको देखने के लिए एक घंटे पहले छोटा भाई गया था वहाँ कि चेक करके आए। तो वहाँ पर पे देख जाने पर ये देखा छोटे भाई ने कि जो काउंटर एमएमआई द्वारा बनाया गया था रेड एम्बुलेंस के साथ अनुबंध में कि एयर एम्बुलेंस की सेवा चाहिए तो यहाँ पर पे भुगतान कीजिए, उनका टाई अप किया हुआ जो काउंटर था वहाँ के सारे बैनर पोस्टर एमएमआई के स्टाफ ने उखाड़ के फेंक दिए। ये अभी जो घटित हुई है आधा घंटा पहले की बात है। अच्छा। और वो सारे बैनर पोस्टर जो उतरे हुए हैं जमीन पे गिरे हुए पड़े हैं और उसका एक वीडियो छोटे भाई ने बनाया, वहाँ सवाल भी किया नारायण एमएमआई के स्टाफ से कि आपने ये पोस्टर क्यों निकाल दिए। तो इससे ये तो साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनसे बहुत बड़ी गलती और चूक हुई है जिसको ये छुपाने की और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस सबसे अनुरोध है कि जागरूक रहें, सतर्क रहें कि जिस जगह को डॉक्टरों को दर्जा दिया गया कि ईश्वर का दूसरा रूप है धरती पे, तो ये ऐसे कृत्य भी वहां हो रहे हैं, समाज जागरूक रहे। और किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं क्योंकि लगातार ऐसे ये तो एक ही हॉस्पिटल है और बाकी भी हॉस्पिटल है जिसके अंदर बड़ी सिंडिकेट चलाया जाता है, उसको लेकर के किस तरीके से आगे आप सामाजिक दायित्व तो भी आप लोगों की नैतिक रूप से है, किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? अब ऐसा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से निवेदन है कि थोड़ा सा नियम कठोर बनाए और अपनी एसोसिएशन में संदेश दें कि किसी भी मरीज के साथ अन्याय नहीं हो। लोग विश्वास के साथ अस्पताल पहुंचते हैं इस भरोसे के साथ कि स्वस्थ होकर लौटेंगे, तो उनके साथ धोखा ना हो, सबके लिए दुख की बात होती है वो। तो मेडिकल एसोसिएशन से फिर से बारंबार निवेदन है कि अच्छे नियम बनाएं, लोगों के फेवर में नियम बनाएं। अच्छा, एक सवाल मेरा और था कि जैसे आप लोग एमएमआई गए जी, जो अनुबंध रहा उन लोगों का जी, आप लोगों को किसने सजेस्ट किया ताकि आप लोग एमएमआई जाएं? क्योंकि इसमें भी हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने वाला भी एक बड़ी सिंडिकेट चलता है जी, वो भी मामला सामने आता है, तो ऐसा कुछ स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई क्या आप लोगों के साथ? नहीं, ऐसा नहीं था। एमएमआई एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, भरोसे के नाते गए थे, भरोसे के नाते गए थे, लेकिन जिस भरोसे से गए थे उतना ही धोखा हुआ। किससे निकल करके सामने आ रहे हैं क्या? कि हॉस्पिटल जो प्रबंधक है आप लोगों से मुलाकात करना चाह रहा है, ये क्या सही है या फिर मुलाकात हो गई आप लोगों? नहीं देखो, हमारी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, ना कोई ये बातों में कुछ गहराई है। अब वो जो भी है ऐसा लोग बोल रहे हैं, उनके पास हमारा नंबर है,
चाहे वो लोग खुद फोन कर सकते हैं, हमारा पर्सनल नंबर उनके पास दिया हुआ है, वो लोग तो रोज फोन करते थे ना हमको कि चाची की बीमार है, ये है, अगर उनको मिलना भी होगा तो लोग डायरेक्ट मिलेंगे ना, वो लोग ऐसे किसी के थ्रू नहीं मिलते हैं कभी भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों के पास हमारा नंबर है, हमको भी जो फाइल हमारी नहीं थी आज सुबह भी हम फाइल हॉस्पिटल में कॉल करके लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैटर। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो समाज के लोग हैं और खास तौर से यहाँ के स्थानीय तौर पे भी बात की जा रही है, उसको साफ देखा जा सकता है और सुना भी जा सकता है किस तरीके से घर वाले जो हैं वो परेशान हैं और प्रताड़ित भी हैं, और लोगों के अंदर प्रशासन से भी और शासन से भी यही उम्मीद है कि किस तरीके से कार्रवाई उनके ऊपर हो ताकि भविष्य में इस तरीके से घटना दोबारा ना हो सके। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB News, रायपुर, छत्तीसगढ़।